तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माई फॉल्ट टू नाम की इस मूवी के बारे में दोस्तों ये जो मूवी है इसका फर्स्ट पार्ट हमें तकरीबन देखने को मिला था दो हज़ार तेईस के अंदर ये एक रोमांटिक मूवी है मूवी की लेंथ के बारे में बात की जाए तो एक घंटा तिरपन मिनट इसकी टोटल लेंथ थी और इसकी एक तरह से प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसी तरह से ओ टी प्लेटफॉर्म पर उतारा गया था अमेजोन प्राइम वीडियो ने इसके राइट खरीदे थे तो उस पर ये हमें देखने को मिली थी रेटिंग की बात की जाए तो IMDb इसकी जो रेटिंग है सिक्स की है जो कि बहुत बढ़िया है साथ ही साथ इसे एमेजोन प्राइम पर स्पेशली एक तरह से आपको देखने को प्रोवाइड कराया गया है बाकी इसके बारे में आगे मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताऊंगा आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन दबाकर इसे कर ले दोस्तों अब इसके बारे में जानना चालू करते हैं माई फॉल्ट स्पेनिश कुल पामिया एक 2023 स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो डोमिंगो गोंजालेज द्वारा निर्देशित है जो उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसमें निकोल वालेस और गेब्रियल ग्वेरा ने अभिनय किया है यह मर्सिडीज रॉन की इसी नाम की वॉटपैड कहानी पर आधारित है कथानक: नो अपनी मां राफिला के साथ अपना शहर छोड़ देती है अपने प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेट्टी को छोड़कर अपनी मां के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं विलियम एक रात्रिभोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके डिनर के दौरान निक और नूह के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है नूह को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है जिसके बारे नूह और जेना ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ने वाला होता है हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली नूह ने जेन्ना और लायन को भी आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती थी हालांकि उसने कभी नहीं बताया कि वह इसे कैसे जानती है शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है नूह को डैन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह लियोनार्डो को चूमती है और वह इसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है चूंकि वह ऐसा करने पर अड़ी हुई है निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती नूह ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार स्टार्ट लाइन में थी उसे अगले रेसर के साथ रेस लगानी पड़ी जो कि रोनी था भले ही रोनी ने धोखा दिया लेकिन नूह उसे हराने में कामयाब रहा रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया जिससे वह विजेता बन गया इसलिए निक को उसे पंद्रह हजार यूरो और उस पोर्शे का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है निक ने नोटिस किया कि नो असहज है जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है उत्सव के बाद निक घर आता है और कौन नरूम में नूह को जोश से चूमता है नूह को किसी ऐसे व्यक्ति से नोट्स मिलते रहते हैं जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है नूह गलती से इसे डैन समझ लेती है लेकिन वास्तव में यह उसका अलग हो चुका पिता जोनास है जिसके बारे में वह कहती है कि वह मर चुका है जोनास एक रेसर थी और इसी तरह वह रेसिंग के बारे में जानती है जोनास बदला लेने के लिए राफेला और नूह को पकड़ने के लिए अपने जेल साथी रोनी का इस्तेमाल कर रहा था विलियम को इसके बारे में पता चलता है और वह निक को नूह पर नज़र रखने के लिए कहता है निक नोआ को कोठरी में बंद करने के बाद अन्ना से चाहता है और उसे घर ले जाता है विलियम को निक और नूह के बीच अवैध संबंध के बारे में पता चलता है निक की मां की ओर से एक और सौतेली बहन मैगी भी है निक और नूह ने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला किया क्योंकि उनके माता पिता इसे स्वीकार नहीं करेंगे उन्होंने समुद्र तट पर यौन संबंध बनाने के बाद ही इसे खत्म किया बाद में जोनास के आदेश पर रोनी द्वारा नूह का अपहरण कर लिया जाता है विलियम और राफेला को नोट से पता चलता है कि इसके पीछे जोनास का हाथ है जोनास ने राफेला को फोन किया और एक यूरो मिलियन नकद मांगा विलियम और राफेला पुलिस के साथ बातचीत के लिए जाते हैं निक अंदर आता है और अपने पोर्श में बीमा ट्रैकर का उपयोग करके ठिकाने का स्थान ढूंढता है जोना कास्ट करें निक के रूप में गेब्रियल ग्वेरा एक राफाइला के रूप में मार्ता हाजस दो जेना के रूप में इवा रुइस दो शेर के रूप में विक्टर वरोना दो रिलीज अगली कड़ी एलेजांड्रो एलेक्स डेला इग्लेसिया मेंडोजा जन्म 4 दिसंबर उन्नीस एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक निर्माता और हास्य पुस्तक कलाकार हैं डेला इग्लेसिया की फिल्में विचित्र और मौत और हत्या जैसे बहुत गहरे तत्वों को जोड़ती हैं उनके अधिकांश कार्यों को डार्क कॉमेडी माना जाता है लेकिन अक्सर उन्हें डरावनी और बटाया नाटकीय तत्वों वाला भी माना जाता है द लास्ट सर्कस (2010) और एज लक विल हैव इट (2011) के उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर उनकी सभी फ़िल्में जॉर्ज गुएरी के चेवरिया के साथ मिलकर लिखी गई थीं पढ़ाई और शुरुआती करियर यह लगभग यही समय था उन्नीस और उन्नीस के बीच जब उन्होंने बिलबाओ में स्पेन के पहले रोल गेम क्लबों में से एक की स्थापना की लॉस पेलोटास फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत में डेला इग्लेसिया पाब्लो बर्जर की लघु फिल्म मामा उन्नीस सौ दो में कला निर्देशक थे और फिर एनरिक उर्बिजू की फीचर टोरो पोर लापास्ता एनीथिंग फॉर ब्रेड उन्नीस में कला निर्देशक थे डेला इग्लेसिया ने पहले ही एनरिक उर्बिजू और जोकिन ट्रिनकार्डो के साथ मिलकर उनकी पहली फिल्म तू नोबिया एस्टालोका उन्नीस का पोस्टर डिजाइन किया था तीन एलेक्स डेला इग्लेसिया की पहली लघु फिल्म मिरिंडास उन्नीस सौ इक्यानवे चार ने पेड्रो अल्मोडोवर का ध्यान आकर्षित किया जिनकी प्रोडक्शन कंपनी एल डेसियो ने डेला इग्लेसिया की पहली फीचर फिल्म एक्सियोन म्यूटेंट विज्ञान फाइ एक्शनर में सहयोग किया था उन्नीस सौ तिरानवे अभिनेत्री टेरेले पावेस को वापस लाया जो 2017 में उनके निधन तक उनकी फिल्मों में नियमित रहीं मनमौजी निर्देशक उन्होंने परदिता डुरांगो, उन्नीस सौ सत्तानवे में जेवियर बार्डेम, रोजी पेरेस और जेम्स गंडोल्फिनी के प्रदर्शन का निर्देशन किया मोटोस रिसा में सेंटियागो से उन्नीस सौ निन्यानवे लाकोमुनिदाद में कार्मेन मौरा मैनुअल तेजादा और पाका गैबल्डन कॉमनवेल्थ दो हजार सांचो ग्रासिया एंजल डी एंड्रेस लोपेज और यूसेबियो पोन्सेला आठ सौ बाला में 800 सौ बुलेट्स दो हजार दो क्रिमेन फेयरपेक्टो में गिलर्मो टोलेडो मोनिका सेर्वेरा और किरा मिरो फेरपेक्ट क्राइम दो हजार चार और एलिजा वुड ली योनोर वाटलिंग और जॉन हर्ट इन लॉस क्रिमेनिस डी ऑक्सफोर्ड द ऑक्सफोर्ड मर्डर्स दो हजार सात उनकी फिल्म बलाडा ट्रिस्टेडे ट्रॉम्पेटा द लास्ट सर्कस 2010 को सड़सठवें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया अर्थात सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए ओसेला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सिल्वर लायन इसे 2011 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित पंद्रह गोया पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था इसे बेस्ट मेकअप और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का अवॉर्ड मिला जब फिल्म अमेरिका में नाटकीय रूप से प्रदर्शित हुई तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनकी प्रशंसा की पांच बॉक्स ऑफिस हिट्स लास ब्रुजस डी जुग्रामोर्डी और परफेक्टोस डेस्कोनोसिडोस। 2011 दो में डेला इग्लेसिया ने जोस मोटा और सलमा हायेक अभिनीत ला चिस्पा डेला विदा एज लक विल हैव इट रिलीज की और इसकी शूटिंग तटीय स्पेनिश शहर कार्टाजेना में की गई 2013 हज़ार तेरह ब्रुजस डी जुग्रामुर्डी विचिंग एंड बिचिंग का वर्ष था जो एलेक्स डेला इग्लेसिया की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी जिसे दर्शकों और आलोचकों द्वारा सराहा गया था उन्होंने 2012 के पतन में व्यापक कलाकारों के साथ इसकी शूटिंग शुरू की जिसमें कारमेन मौरा गोमेस, गोमेज युगो सिल्वा, मारियो कैसास कैरोलिना बैंग टेरिले पावेज और पेपोन नीटो और सैंटियागो सेगुरा और कार्लोस एरेसिस के कुछ कैमियो शामिल थे यह फिल्म 27 सितंबर 2013 को स्पेन में रिलीज हुई थी और छह एम यूरो की कुल लागत के साथ चौदह छह मिलियन यूरो की कमाई के साथ प्रासंगिक व्यावसायिक सफलता हासिल की छ इसे आठ गोया से सम्मानित किया गया जिसमें अनुभवी अभिनेत्री टेरेले पावेस को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल था सात और लुइस फर्नांडीज सहित कई अन्य एम आई ग्रैंड नोचे इसके निर्देशक के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक और सफलता थी जिसने इसकी लागत से लगभग तीन गुना अधिक कमाई की आठ 2017 में एलेक्स डेला इग्लेसिया ने दो फिल्में रिलीज की एल बार जिसमें उनके पहले से ही कई नियमित अभिनेता ब्लैंका सुआरेस, मारियो कैसास कारमेन माची पेपोन नीटो टेरेले पाबेस थे और इतालवी फिल्म परफेटिसकोनोस्यूटी का रीमेक जिसका शीर्षक था बेलेन रुएडा और एडवार्डो नोरिएगा सहित अन्य प्रभावशाली कलाकारों के साथ स्पेनिश परफेक्टोस डेस्कोनोसिडोस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफेक्ट स्ट्रेजर्स परफेक्टोस डेस्कोनोसिडोस निर्देशक की अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस वापसी थी जिसमें लगभग बीसवीं 2009 में निर्माता कैरोलिना बैंग और एलेक्स डेला इग्लेसिया ने प्रोडक्शन पावरहाउस पोकिप्सी फिल्म की स्थापना की बोल्ड साहसी और नवोन्वेषी फिल्म निर्माताओं की एक नई पीढ़ी को पोषित करने के लिए बनाई गई पोकिप्सी फिल्मों ने सफल फीचर फिल्मों की एक प्रभावशाली सूची तैयार की है जैसे पेपर हाउस के निर्देशक कोल्डो सेरा की साथ शून्य बिन लाडिंस सत्तर बिग ओन्स एडवार्डो कैसानोवा की बहुपुरस्कृत पाइल्स स्किन्स और पिएटा तेरह जनवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज एस्टेबन रोएल और जुआनफर एंड्रेस का मुसराना स नेस्ट जिसमें उत्कृष्ट मैकारेना गोमेज ने अभिनय किया एलेक्स डेला इग्लेसिया का एल्बार इग्नासियो टाटा की द चौक लाइन अक्टूबर 2022 में दो सप्ताह के लिए नेटफ्लिक्स में इन दो गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म जैम बाल्गुएरो की वीनस और हाल ही में एचबीओ की जबरदस्त हिट तीस मोनेडास तीस सिक्के सीजन एक और दो फरवरी 2021 में एलेक्स डेला इग्लेसिया ने अपने निर्देशन में एक नई फिल्म की शूटिंग की घोषणा की जिसका निर्माण मीडिया सिट एस्पाना ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर किया है फिल्म का नाम एल क्वार्टो पसाजेरो फोर्स ए क्राउड है और इसमें ब्लैंका सुआरेस, अर्नेस्टो अल्टेरियो अल्बर्टो सैन जुआन और रूबेन कोर्टाडा जैसे कलाकार हैं अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक के रूप में फोर्स ए क्राउड के साथ क्वार्टो पसाजेरो को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिटर्न के साथ अक्टूबर 2022 में स्पेन में रिलीज किया गया था भय संग्रह ला इग्लेसिया ने किया है फ्रेनिया का वर्ल्ड प्रीमियर कैटेलोनिया के सिटजेस इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे स्प्रिंग 2022 में रिलीज किया गया था ग्यारह इस संग्रह की दूसरी विशेषता वीनस है जो प्रतिष्ठित कैटलन हेलमर जैम बाल्गुएरो द्वारा निर्देशित है वीनस का वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ एस्टर एक्सपोसिटो अभिनीत इसे 2 दिसंबर को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था 2022, 2020 के वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपनी श्रृंखला 30 मोनेडास 30 सिक्के प्रस्तुत की जिसका प्रीमियर उसी वर्ष 29 नवंबर को एचबीओ स्पेन में हुआ यह श्रृंखला स्पेन के एक दूरदराज के गांव के निर्वासित ओझा मुक्केबाज और पूर्व अपराधी फादर वेरगारा की आपबीती बताती है दिसंबर 2021 में एचबीओ ने घोषणा की कि 30 मोन्डास स्पेन में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था तेरा फिल्म अकादमी की अध्यक्षता की के लिए प्रतिबद्ध थे उनके अपने शब्दों में वह उन लोगों का बचाव करना चाहते थे जो फिल्में बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं चौदह फरवरी 2010 को डेला इग्लेसिया ने गोया पुरस्कार समारोह में फिल्म अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया यह याद करते हुए कि सभी क्षेत्रों के सह अस्तित्व की रक्षा करने वाले कानून बनाना आवश्यक था और इसमें फ़िल्म निर्माण भी शामिल है इस कारण से अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष ने 21 दिसंबर 2010 को कांग्रेस में खारिज होने के बाद सतत अर्थव्यवस्था कानून जिसे सिंध वर्ट कानून के रूप में जाना जाता है के दूसरे अंतिम प्रावधान पर बहस में भाग लिया किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के बजाय आयक भूमिकाओं में जॉर्ज गुएरी के चेवरिया व्यावहारिक रूप से उनके सभी कार्यों में उनके सह पटकथा लेखक रहे हैं इनमें से कुछ कलाकार एलेक्स डी ला इग्लेसिया द्वारा निर्मित लेकिन निर्देशित नहीं की गई फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं और मैकारीना गोमेज के मामले में उन्हें आमतौर पर उनके द्वारा निर्मित फिल्मों में देखा गया है जिसमें सीजन एक और दो में गोमेज की तत्काल पंथ प्रमुख भूमिका भी शामिल है एचबीओ के तीस मोनेडा तीस सिक्के पुरस्कारों और प्रशंसाओं का चयन गोया पुरस्कार गोया पुरस्कार वर्ष पुरस्कार शीर्षक परिणाम उन्नीस बानवे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास निर्देशक एक्शन उत्परिवर्ती मनोनीत उन्नीस सौ पंचानवे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एल डिया डेला बेस्टिया जीत गया सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा मनोनीत 2000 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ला कम्युनेडार्ड मनोनीत सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा मनोनीत 2008 सबसे अच्छी फिल्म लॉस क्रिमेनेस डी ऑक्सफोर्ड मनोनीत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा मनोनीत 2010 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बलादा ट्रिस्टेडे ट्रोम्पेटा मनोनीत सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा मनोनीत प्लेटिनो पुरस्कार उन्नीस सौ बानवे के लिए सर्वश्रेष्ठ रचना पटेरिया लंबित मेडालस डेल सर्कुलोडे एस्क्रिटोरिस सिनेमेटोग्राफिकोस सीसी पुरस्कार वर्ष पुरस्कार शीर्षक परिणाम उन्नीस सौ पंचानवे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एल डिया डेला बेस्टिया जीत गया नोक्टर्ना मैड्रिड इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल वर्ष पुरस्कार वर्ग परिणाम 2005 हज़ार पांच मेस्ट्रो डेल फैंटास्टिको प्रक्षेप वक्र जीत गया सिटजेस फिल्म फेस्टिवल वर्ष पुरस्कार वर्ग परिणाम 2005 टाइम मशीन पुरस्कार वक्र जीत गया इंग्लैंड लौटकर थॉम्पसन ने उन्नीस सौ छियानवे में उरी फ्रूचटमैन के साथ फ्रेजाइल फिल्म्स की स्थापना की उनकी पहली फिल्म अंतर्राष्ट्रीय हिट स्पाइस वर्ल्ड थी जिसके लिए उन्होंने फिर से दूसरी यूनिट का निर्देशन किया इसके बाद बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब द्वारा नामांकित एन आइडियल हस्बैंड कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में समापन फिल्म और यूके में केबिन एंड पेरी गो लार्ज को हिट किया गया इसके बाद मिन्नी ड्राइवर और माइकल गैम्बोन अभिनीत ब्रिटिश कॉमेडी हाई हील्स एंड लो लाइफ्स और पीटर कैटेनेओ द्वारा निर्देशित लकी ब्रेक जिसमें जय एम्स नेस्बिट बिल निघी और टिमोथी स्पैल ने अभिनय किया 2000 में थॉम्पसन फ्रुचटमैन हैरी हैंडल्समैन और जॉन काओ ने दुनिया के सबसे पुराने फिल्म स्टूडियो इलिंग स्टूडियो को खरीदा जिसे थॉम्पसन ने अगले चौदह वर्षों तक स्टूडियो के प्रमुख के रूप में चलाया 2002 में एक टीवी कॉमेडी डिवीजन शुरू किया गया था जिसने कई हास्य कलाकारों को अपना पहला ब्रेक दिया जिनमें जिमी कैर शेरोन होर्गन मिरांडा हार्ट एलिस लोव स्टीव वोरम पॉल किंग बेन विलबॉन्ड और डेमन बेस्ली शामिल थे थॉम्पसन ने फिल्मों का निर्माण जारी रखा रूपर्ट एवरेट कॉलिन फर्थ रीज विदर स्पून और जूडी डेंच अभिनीत द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इमेजिन मी एंड यू एक जर्मन ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें मैथ्यू गोड और लीना हेडे ने अभिनय किया है और ओल पार्कर द्वारा निर्देशित है वैलेंट यूके में इवान मैकग्रेगर और रिकी गेरवाइस द्वारा अभिनीत पहली सीजीआई फिल्म है डोरियन ग्रे फ्रथक बेन बॉन्स और रेबेका हॉल अभिनीत और इजी वर्चू फिथक क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस और जेसिका बील थॉमपसन ने थॉम्पसन ने 2007 में लगातार सहयोगी ओलिवर पार्कर के साथ सेंट क्रिनियंस का सह निर्देशन किया एवरेट फ्रथक रसेल ब्रांड जेम्मा आर्टरटन पालोमा फेथ और जूनो टेम्पल अभिनीत यह फिल्म यूके में शीर्ष दस ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्मों में से एक बन गई 2009 की अगली कड़ी सेंट प्रिनियंस दो द लीजेंड ऑफ फ्रिटॉन्स गोल्ड शीर्ष ब्रिटिश फिल्मों की सूची में शामिल हो गई उस समय थॉमपसन ने यूके में सभी समय की शीर्ष बीस ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्मों में से पांच का निर्माण और बटाया निर्देशन किया था तब से उन्होंने फिल्मों का निर्माण जारी रखा है विल पॉल्टर और कारा डेलेविंग ने अभिनीत किड्स इन लव नीना जो सल्दाना और डेविड ओएलोवो अभिनीत और संडास ने जैक ब्लैक और जेम्स मार्सडेन के साथ दडी ट्रेन को हिट किया थॉम्पसन ने 2014 में ईलिंग चलाने से इस्तीफा दे दिया और अब फ्रैगाइल फिल्म्स में लौट आए हैं जहां उन्होंने फिल्मों और टीवी का निर्देशन और निर्माण जारी रखा है वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मैगरेट सेट्स ए ट्रैप के कार्यकारी निर्माता थे जिसमें रोवन एटकिंसन ने अभिनय किया था जो जॉर्जिस सिमेनन के उपन्यासों पर आधारित था जिसे ईस्टर 2016 में आईटीवी द्वारा प्रसारित किया गया था इसके बाद तीन और फिल्में आई मैग्रेट्स डेडमैन नाइट एट द क्रॉसरोड्स और मैगरेट इन मोटमार्टरे 2019 में थॉम्पसन समुद्री झोंपड़ी गायन कोर्निश मछुआरे के बारे में यूके हिट फिशरमैन फ्रेंड्स पर कार्यकारी निर्माता थे 2019 में उन्होंने ओलिविया कुक बेन हार्डी डेरिल मैक कॉर्मैक, कोलम मीनी डायलन मोरन और एलेक बाल्डविन अभिनीत पिक्सी का निर्देशन और निर्माण किया जिसे यूके और पिछली जो मूवी है वो हमें देखने को मिली थी आठ जून दो हज़ार तेईस को और इसकी एंडिंग के अंदर ही हमें बता दिया गया था इसका दूसरा पार्ट हमें कंफर्म देखने को मिलेगा जैसा कि आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि एंडिंग में एक तरह से हिंट छोड़ा गया था और कन्फर्म एक तरह से कर दी गई थी अमेजोन प्राइम की तरफ से इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है वो दो के अंदर ही देखने को मिलेगा और साथ ही साथ टीज़र ट्रेलर की बात की जाए तो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है कुछ ही दिनों में इसका टीजर और ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया जाएगा बाकी कुछ पोस्टर एक तेजर रिलीज किए गए हैं और वो मैं आपको शो कर देता हूँ बाकी आगे इसकी कास्टिंग और कैरेक्टर जो भी हमें और देखने को मिलेगा उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ फॉर एक राउंड एक स्पेनिश एल कुआटो पसाजेरो एक एलेक्स डेला इग्लेसिया द्वारा निर्देशित 2022 की स्पेनिश रोड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें अल्बर्टो सैन जुआन ब्लैंका सुआरेस, अर्नेस्टो अल्टेरियो और रूबेन कोटाडा ने अभिनय किया है जूलियन के रूप में अल्बर्टो सैन जुआन सात लोरेना के रूप में ब्लैंका सुआरेस सात जुआन कार्लोस के रूप में अर्नेस्टो अल्टेरियो आठ सर्जियो के रूप में रुबेन कोटाडा आठ कार्लोस एरेसिस नौ जैमे ऑर्डोनेस्तों दस एनरिक विलेन दस उत्पादन जॉर्ज गुएरी के चेवरिया ने निर्देशक एलेक्स डेला इग्लेसिया के साथ सह लेखन का कार्यभार संभाला ग्यारह रीटा नोरिएगा तो पर फोटोग्राफी के निर्देशन का आरोप लगाया गया था बारह यह फिल्म टेलीसिंको सिनेमा ओकीप्सी फिल्म्स और तेहेंस वेनेडो अरिबा एआई प्रोडक्शन है और इसमें मीडियासेट एस्पाना मूवीस्टार प्लस और मीडिया मीडियासेट एस्पाना ग्रुप की भागीदारी थी तेरह फिल्मांकन 25 जनवरी 2021 को शुरू हुआ छह शूटिंग स्थानों में बिल्बाओ डेला इग्लेसिया की फिल्म उनके फीचर डेब्यू एक्सियोन म्यूटेंट के बाद अपने मूल शहर में वापसी का प्रतीक है चौदह अलवा लारियोजा पंद्रह और मैड्रिड शामिल हैं दो एक सीओवीआईडी उन्नीस सकारात्मक परीक्षण के कारण उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था सोलह रिलीज सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इबेरिया एसएलयू द्वारा वितरित तेरह फिल्म को स्पेन में चार नवंबर 2022 को नाटकीय रिलीज की तारीख के लिए निर्धारित किया गया था सत्रह फिर अट्ठाईस अक्टूबर को फिर से निर्धारित किया गया दो यह सप्ताहांत की सबसे बड़ी ओपनिंग थी और इसने ब्लैक एडम के बाद कुल मिलाकर दूसरी सबसे बड़ी कमाई की 18 इसकी एक साल की कमाई 4.3 मिलियन थी 19 स्वागत हॉबी कंसोलस के राकेल हर्नांडेज लुजान ने फिल्म को 78 अंकों अच्छा के साथ रेटिंग दी इसे मजा किया आश्चर्यजनक और कभी कभी भ्रमित करने वाली कॉमेडी के साथ साथ दोस्त विरोधी फिल्म जो आपको हंसाती है माना इस पर प्रकाश डाला गया चरित्र डिजाइन कथानक में मोर और दो विशाल सैन जुआन और अल्टरियो की ओर से उनकी भूमिकाओं के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता फ़िल्म के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों के रूप में है जबकि रोमांटिक कॉमेडी सबअपलॉट से संबंधित कुछ घिसे पिटे तत्वों को एक नकारात्मक के रूप में उद्धृत किया गया है बिंदु दस फोटोग्रामस के फॉस्टो फर्नांडीज ने सैन जुआन और अल्टेरियो के बीच हुए द्वंद्व को उजागर करते हुए फिल्म को पांच में से चार स्टार रेटिंग दी जो फिल्म के स्टैंडआउट के रूप में दहिचर या प्लेन ट्रेन और ऑटोमोबाइल के योग्य है बीस सिनेमेनिया के मिगुएल एंजेल रोमेरो ने फिल्म को पांच में से दो स्टार रेटिंग देते हुए इसे ब्लाब्लाकार में एक अंतहीन और मजेदार यात्रा अभी तक बहुत घिसी पिटी माना है 21 लारेजोन के सेरगी सांचेज़ ने फिल्म को पांच में से तीन स्टार रेटिंग दी जिसमें रोड मूवी संरचना जो काम करने और मनोरंजन करने का प्रबंधन करती है के तहत रोमकॉम शैली के सुधार को फिल्म के बारे में सबसे अच्छी बात के रूप में उजागर किया गया जबकि इसमें होने वाली काल्पनिकता को खारिज कर दिया गया एक होटल में गति धीमी करना सबसे बुरी बात है बाईस वर्ष पुरस्कार वर्ग नामांकित व्यक्ति परिणाम संदर्भ 2023 10 वां फिरोज पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य फिल्म मनोनीत 23 अठहत्तर वे सीसी पदक सर्वश्रेष्ठ संगीत रोके बानोस मनोनी चौबीस पच्चीस यह भी देखें इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक उपनाम मार्टिनेज है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम सुआरेज है 2020 में सुआरेज जन्म ब्लैंका मार्टिनेज सुआरेज मैड्रिड स्पेन अल्मा मेटर किंग जुआन कार्लोस विश्वविद्यालय पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2007 वर्तमान ब्लैंका मार्टिनेस सुआरेस जन्म 21 अक्टूबर 1988 एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं वह टेलीविज़न श्रृंखला द बोर्डिंग स्कूल 2007-10, द बोट 2011-13 और स्पेनिश भाषा नेटफ्लिक्स श्रृंखला लास चिकास डेल केबल अंग्रेज़ी केबल गर्ल्स दो शून्य एक सात दो शून्य दो शून्य और में अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं जगुआर 2021। उन्होंने दस के दसके नाई लिव इन 2011, जैसी फ़िल्मों में पेड्रो अल्मोडोवर के साथ भी काम किया है जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के रूप में गोया पुरस्कार नामांकन मिला और मैं बहुत उत्साहित हूं 2013 अभिनय करियर दो शून्य शून्य सात दो शून्य एक दो प्रारंभिक कार्य और प्रमुखता में वृद्धि सुअरेज ने 2007 में एंटेना तीन श्रृंखला द बोर्डिंग स्कूल में जूलिया मदीना की भूमिका निभाते हुए अपने अभिनय की शुरुआत की वह 2010 में इसके अंत तक श्रृंखला में अभिनय करेंगी और अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फोटोग्रामस डी प्लाटा पुरस्कार अर्जित करेंगी एक साथ ही 2009 में मोंटे कार्लो टेलीविजन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा नामांकन के लिए गोल्डन अप्सरा भी प्राप्त करेंगी इस बीच सुआरेस फुल लेंथ पिक्चर्स शिवर 2008 उनकी पहली फीचर फिल्म दो कावर्ड्स 2008 हजार आठ ब्रेन द दो और द काउंसल ऑफ सदोम 2009 के साथ साथ लघु फिल्म यूनिवर्स में भी दिखाई दी यूनिवर्सोस और गोलार्ध हेमिस्फेरियो 2010 में सुआरेस की पहली अभिनीत भूमिका नियॉन फ्लेश में मारियो कैसास के साथ थी फिल्म अंत 2011 में रिलीज हुई इसके बाद सुआरेज़ ने एंटोनियो बैंडेरस और एलेना अनाया के साथ पेड्रो अल्मोडोवर की दस्किन आई लिव इन में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के नामांकन के लिए गोया पुरस्कार मिला उसी वर्ष वह लैड्रोन्स के गीत एस्टॉय प्रोहिबिडो के संगीत वीडियो में दिखाई दीं इसके बाद सुअरेज ने एक और एंटेना तीन श्रृंखला द बोट में अभिनय किया जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री के लिए फोटोग्रामस डी प्लाटा पुरस्कार तीन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ओंडास पुरस्कार जीता साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टीपीडी -टी ओरो पुरस्कार के लिए नामांकन भी जीता द बोट 17 जनवरी 2011 से 21 फरवरी 2013 तक प्रसारित हुआ चार इस बीच सुआरेज़ ने दो फिल्मों में अभिनय किया जिनका प्रीमियर 2012 मलागा फिल्म फेस्टिवल में हुआ कॉमेडी ड्रामा विनिंग स्ट्रीक डैनियल ब्रुहल, लुइस होमर और मिगुएल एंजेल के साथ सिल्वेस्ट्रे पांच और इमानोल उरीबे के ऐतिहासिक रोमांस ऑरेंज हनी इबान गाराटे के साथ छह सात 2017 में सुआरेज 2013 में सुआरेस आई एम सो एक्साइटेड में दिखाई दिए पेड्रो अल्मोडोवर द्वारा निर्देशित कलाकारों की एक कॉमेडी फिल्म आठ दो हजार तेरह के कांस फिल्म फेस्टिवल में सुआरेस को अभिनय में उनके काम के लिए वर्ष की महिला उद्घाटन के लिए ट्रॉफी चौपाड़ से सम्मानित किया गया था यह पुरस्कार उन्हें कॉलिन फर्थ द्वारा प्रदान किया गया नौ no. दो में सुआरेज़ ने टेलीविज़न श्रृंखला क्वांटम अनक्वेंटो के नामांकित एपिसोड में स्नो भाइट को चित्रित किया एक शून्य दो शून्य एक पांच में उन्होंने ह्यूगो सिल्वा के साथ लघु श्रृंखला लॉस नुएस्ट्रोस में अभिनय किया ग्यारह टेलीविजन श्रृंखला कार्लोस पुर्तगाल की इसाबेला के रूप मेरे एम्परडोर और फिल्म ऑफ कोर्स उनके साथ द बोर्डिंग स्कूल के सह कलाकार योन गोंजालेज एलेक्स डेला इग्लेसिया की माई बिग नाइट जिसके लिए उन्हें तीसरे फिरोज अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था बारह और एलेक्स डेला इग्लेसिया की अगली फिल्म द बार दो भी अन्य कार्य सुआरेस 2010 में लैडरोस द्वारा एस्टॉय प्रोहिबिडो और 2014 में डैनी मार्टिन द्वारा इमोशनल के संगीत वीडियो में दिखाई दिए तेरह विभिन्न मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग भी की 2013 में वह इटालियन लॉन्जरी लेबल इंटिमिसिमी के लिए मॉडल बन गई चौदह फरवरी 2014 से सुआरेस वोग एस्पाना के लिए एक ब्लॉग लिख रहे हैं पंद्रह मीडिया और निजी जीवन 2011 और 2014 में फोटोग्राम द्वारा सुआरेस को इंटरनेट पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले कलाकार का नाम दिया गया था 16 17 और 26वें वे गोया अवार्ड्स में उन्हें सबसे अच्छी पोशाक वाली सेलिब्रिटी के रूप में वोट दिया गया था 18 उसी वर्ष नवंबर में जीक्यू के स्पेनिश संस्करण द्वारा उन्हें वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया था उन्नीस सुवारेस 2008 से 2010 तक अभिनेता जेवियर परेरा के साथ रिश्ते में थीं। 20 इसके बाद उन्होंने 2011 से 2014 तक अपने विनिंग स्ट्रीक के सह कलाकार मिगुएल एंजेल सिल्वेस्ट्रे को डेट किया और उनके साथ रहीं। दो एक दो दो शून्य एक चार में सुआरेस ने कुछ समय के लिए स्पेनिश को डेट किया पॉप रॉक संगीतकार दानी मार्टिन तेईस दो चार दो पांच दो शून्य एक पांच से दो हज़ार सत्रह तक वह अभिनेता जोएल बोसवेड के साथ रिश्ते में थीं छब्बीस बाद में मार्च दो हजार अठारह से अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस तक वह मारियो कैसास के साथ एक और रिश्ते में थी पिछले तीन सालों से सुआरेस एक्टर जय एवियर रे के साथ रिलेशनशिप में है सत्ताईस उसके पास पिस्ताचो नाम का एक दक्षुण है अट्ठाइस फिल्मोग्राफी फिल्म चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2008 एस्के लोफ्रियो कंपकंपी एंजेला उनतीस कोबरडेस कायर टेलीविजन संपादक २००९ हजार नौ फुगाडे सेरेब्रोस ब्रेन ड्रेन देवदूतीय आवाज एल कॉन्सुल डी सोदोमा सदोम का कॉन्सल सैंड्रा ३० 2010 कार्नेडे नियॉन नियॉन फ्लेश वेरोनिका ३१ दो हजार ग्यारह ला पायल क्यू हैबिटो दस्किन आई लिव इन नोरमा लेडगार बत्तीस दो हजार बारह पेलायोस विजेता स्ट्रीक इंद्रिड तैतीस माइल डे नारंजस ऑरेंज हनी कारमेन चौतीस दो हजार तेरह लॉस अमांटेस पसाजेरोस मैं बहुत उत्साहित हूं दया पैतीस 2015 हजार पंद्रह पेडेंडो एल नॉट ऑफ कोर्स कार्ला छत्तीस एम आई ग्रैंड नोचे मेरी बड़ी रात पलोमा सैतीस ब्रुकलीन में बेकरी डेनिएला दो हजार सत्रह एल बार एलेना उनतालीस टीएमपो डेसपुएस कुछ समय बाद मिंडेस चालीस डे डेटोडो सब कुछ के बावजूद सारा इकतालीस 2020 हजार बीस एल वेरानो क्यू विविमोस द समर वी लिव्ड लूसिया 2022 हजार बाईस एल परीक्षण द टी डॉलर टी बेटा तैतालीस एल क्वार्टो पसाजेरो फॉर ए क्राउड लोरेना चवालीस 2023 हजार तेईस मी वायरल दो हजार चौबीस डिस्को इबीसा लोकोमिया हजार सात दस एल इंटरनेडो द बोर्डिंग स्कूल जूलिया मदीना दो हजार ग्यारह तेरह एल बारकोक नाव एनहोआ मोन्टेरो एक ग्राहक को बुलाओ नीव संकलन श्रृंखला एक एपिसोड सैतालीस दो हजार चौदह दो हजार पंद्रह अड़तालीस दो हजार पंद्रह उनचास हजार सोलह आप मुझे एक एस्कॉन्डियन के रूप में जानते हैं सोसोल्स दी इकाजातों पचास दो हजार सत्रह बीस लास चिकस डेल केबल केबल गर्ल्स लीडिया एग्यर डेविला बटा अल्बारोमेरो मेंडेस। 2021 एक प्रकार का जानवर इसाबेल गैरिडो इक्यावन पुरस्कार और नामांकन पुरस्कार वर्ष वर्ग नामांकित कार्य परिणाम फोटोग्रामस डी प्लाटा 2010 सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री बोर्डिंग स्कूल जीत गया 2011 सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री नाव जीत गया इंटरनेट पर सर्वाधिक खोजा जाने वाला कलाकार जीत गया 2015 जीत गया गोया पुरस्कार 2011 सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री जिस त्वचा में मैं रहता हूं मनोनीत न्योक्स फैन अवार्ड्स 2012 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री जीत का सिलसिला जीत गया 2013 सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री नाव नामांकित बावन सबसे आकर्षक जोड़ी मिगुएल एंजेल सिल्वेस्टर के साथ नामांकित तिरपन उंडास पुरस्कार 2011 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नाव जीत गया फिरोज पुरस्कार 2015 सबसे अच्छी सह नायिका मेरी बड़ी रात मनोनीत टीपीडी ओरो पुरस्कार 2011 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नाव मनोनीत ट्रॉफी चौपाड़ 2013 वर्ष का महिला रहस्योद्घाटन जीत गया अर्नेस्टो फेडेरिको अल्टरियो बाकाइकोआ जन्म 25 सितंबर 1970 एक एक अर्जेंटीना स्पेनिश फिल्म थिएटर और टेलीविजन अभिनेता हैं उन्हें फर्नांडो कोलोमो की फिल्मों द स्टोलन ईयर्स और हवाना चौकरी में उनकी भूमिका के साथ साथ अर्जेंटीना मिनी सीरीज वियंटोस डेल अगुआ में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वह अर्जेंटीना के अभिनेता हेक्टर अल्टेरियो के बेटे हैं प्रारंभिक जीवन अल्टेरियो मनोवैज्ञानिक मोडेस्टा एंजेला बाकाइकोआ डेस्टिफानो और अभिनेता हेक्टर अल्टेरियो ओनोराटो के बेटे हैं उनकी छोटी बहन मैलिना भी अभिनय के प्रति समर्पित हैं दो वह इतालवी मूल के हैं उनके दादा दादी मूल रूप से मोलिसे क्षेत्र में इसेर्निया प्रांत के एक कम्यून कार्पिनोन से थे तीन मालेना के जन्म के तुरंत बाद अर्जेंटीना में हुए तख्तापलट के बाद उनके पिता हेक्टर अल्टेरियो को ट्रिपल ए द्वारा धमकी दी गई थी इसलिए परिवार निर्वासन में चला गया और उन्नीस और उन्नीस के बीच स्पेन में बस गया जहां वह काम कर रहे थे समय वर्षों बाद उन्होंने स्पेनिश राष्ट्रीयता प्राप्त की चार पांच दो मैड्रिड में अपने परिवार के साथ स्थापित जब वह चार साल का था अर्नेस्टो को निर्वासन के कारण होने वाली उथल पुथल का सामना करना पड़ा वह पारिवारिक परंपराओं के माध्यम से अपनी अर्जेंटीना जड़ों से जुड़े रहे पांच छे उन्होंने जीव विज्ञान की पढ़ाई शुरू की लेकिन इतिहास विषय लेने के लिए पढ़ाई छोड़ दी और दो साल तक पढ़ाई जारी रखी दो अपने पिता की तरह बनने के लिए प्रोत्साहित होने पर अर्नेस्टो ने कहा कि वह बगल में तालाब के किनारे से होकर जाता था ताकि उसमें गिर न जाए संगीत फोटोग्राफी इतिहास जब तक कि उसने एक बनना स्वीकार करने का निर्णय नहीं ले लिया अभिनेता छ कैरियर उन्नीस सौ छियानवे में उन्होंने अल्बर्टो सैनजुआन ग्विलेरमो टोलेडो और नथाली पोजा के साथ मिलकर थिएटर ग्रुप रेसियोन डी ओरेजा एनिमलारियो का बीज की स्थापना की साथ 1990 के दशक के अंत में उन्हें द स्टोलन ईयर्स जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया ठ और हवाना तो में प्रदर्शन के साथ फर्नांडो कोलोमो के तहत कुछ शुरुआती प्रमुख फिल्म भूमिकाएं मिली। मिलीं उन्होंने अपने पिता के साथ पंथ लघु श्रृंखला वियंटोस डेल अगुआ में अभिनय किया है और दो बार निर्देशक मार्सेलो पिनेरो के साथ काम किया है जो अक्सर अपने पिता को भूमिकाओं में काम पर रखते हैं वह स्पेनिश और अर्जेंटीना दोनों टेलीविजन में काम करते हैं चयनित फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ उन्नीस सौ बानवे टैंगो फिरोज प्रशस्ति पत्र आवश्यक उन्नीस सौ पंचानवे आपका घर कैसा है प्रशस्ति पत्र आवश्यक उन्नीस सौ पंचानवे प्रशस्ति पत्र आवश्यक उन्नीस सौ पंचानवे मोरिरास एन चाफ्रीनास आप चाफ्रीनास में मरेंगे प्रशस्ति पत्र आवश्यक उन्नीस सौ छियानवे अधिक प्यार उन्माद प्यार नहीं सिर्फ उन्माद प्रशस्ति पत्र आवश्यक उन्नीस सौ छियानवे मेरा नाम कुछ और है प्रशस्ति पत्र आवश्यक उन्नीस सौ छियानवे आपका घर कैसा है निकोदस कैरोलिना बैंग हेरेरा जन्म 21 सितंबर उन्नीस एक स्पेनिश अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें 2010 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था कैरियर कैरोलिना बैन का जन्म 21 सितंबर 1985 को सांता क्रूज डे टेनेरिफ में एक नॉर्वेजियन माँ और एक स्पेनिश पिता के परिवार में हुआ था एक बच्चे के रूप में उनका परिवार मैड्रिड चला गया जहां उन्होंने पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में तकनीकी वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की साथ ही साथ फिल्म संस्थान में अभिनय का अध्ययन भी किया एक मनोरंजन के क्षेत्र में उनके शुरुआती प्रयास थिएटर कंपनी प्रोजेक्टो कथारिस के सदस्य के रूप में थे जहां वह छह साल तक रहीं और ला एक्स्टा के कार्यक्रम एल इंटरमीडियो पर एक टीवी होस्ट के रूप में 2008 में उन्होंने श्रृंखला प्लूटन बीआरबी नीरो में लोरना की भूमिका निभाते हुए अपनी पहली प्रमुख भूमिका के साथ टेलीविजन अभिनय की ओर कदम बढ़ाया दो के कलाकारों का हिस्सा थीं और प्ले श्रृंखला डोरियन में अभिनय किया जो एक अभिनेत्री के रूप में उनके आखिरी कामों में से एक थी तीन कैरोलिना बैन का सबसे प्रतिष्ठित पहलू एक फिल्म निर्माता के रूप में है फ़ीचर फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला में 20 से अधिक क्रेडिट के साथ उनमें से अधिकांश की उत्पत्ति उनकी अपनी कंपनी पोकिप्सी फ़िल्म से हुई जिसकी स्थापना 2014 में उनके पति फिल्म निर्देशक और निर्माता एलेक्स डेला इग्लेसिया के साथ हुई थी उन्होंने हाल के स्पेनिश सिनेमा में उल्लेखनीय शीर्षकों का निर्माण किया है जिसमें आमतौर पर हॉरर कॉमेडी थ्रिलर और फिल्म नोयर शैलियां शामिल हैं सबसे प्रमुख फिल्मों में लॉस हीरोज डेलमाल इसके अतिरिक्त उन्होंने फ़िल्म त्रई माई फॉल्ट की सफल पहली किस्त का निर्माण किया जो दुनिया भर में प्राइन वीडियो के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर अंग्रेज़ी भाषा की फ़िल्म बन गई चार कैरोलिना बैन हास्य कलाकार इवा हैचे की पहली निर्देशित फ़िल्म अनमालडिया लोटेन क्यूलवियरा की, की निर्माता भी हैं नौ सौ बानवे शीर्षक से नेटफ्लिक्स के लिए पोकीप्सी फिल्म श्रृंखला लॉन्च की जाएगी हाल ही में उन्हें टेनेरिफ में इसला कैलावेरा उत्सव में एस एस वेंचर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार छः मिला एक पुरस्कार जो उन कैनेरियन लोगों के प्रक्षेप पथ को पहचानने का प्रयास करता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा को द्वीप समूह से शैली की सीमाओं तक ले लिया है फिल्मोग्राफी अभिनय भूमिकाएं वर्ष अंग्रेजी शीर्षक स्पेनिश शीर्षक प्रारूप भूमिका टिप्पणिया 2007 हज़ार सात मैड्रिड मॉस्को मैड्रिड मॉस्को लघु फिल्म लड़की 2010 हजार दस द लास्ट सर्कस बलादा ट्रिस्टेडी ट्रोम्पेटा पतली परत नतालिया नामांकित सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार रासपुतिन का खंजर ला दगा डे रासपुतिन पतली परत एदा एदा टीवी श्रृंखला स्वयं एक एपिसोड जैसा किस्मत चाहेगी ला चपा दे ला पतली परत पिल 2012 पास्कल का दाव ला अपुएस्टा पास्कल लघु फिल्म एस्टेफानिया 2013 जादू टोना और जादू टोना लास ब्रुजस डे जुग्रामोर्डी पतली परत ईवा 2014 मार्ग परिवर्तन कैम्बियो डे रूटा पतली परत जूलिया छछूंदर का घोसला मुसराना पतली परत एलिसा अज्ञात तारीखें सिएगा और सिटास टीवी श्रृंखला को वाड़ूंगा मखमली मखमली टीवी श्रृंखला वेरोनिका लागो एक एपिसोड दो के लिए मेनू क्या एक ला मेसा पतली परत बेलें 2015 वही त्वचाला मिसमा पाए लघु फिल्म महिला मेरी बड़ी रात मुझे बहुत अच्छा लगा पतली परत क्रिस्टीना 2016 कल और कल आयर और मनाना लघु फिल्म महिला भविष्य वह नहीं है जो एक समय था ए फ्यूचरो हां नो एस लोक्यू एरा पतली परत लुईसा वेब थेरेपी वेब थेरेपी टीवी श्रृंखला इसाबेल वलेरो विक्टर रोस विक्टर रोस टीवी श्रृंखला मैडम डी सुबेरविक निरे अजनबी परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस पतली परत डोरिएन डोरिएन टीवी श्रृंखला डोरियन सात दो हजार सत्रह अठारह निकोल एलेजांद्रा वालेस डेल बैरियो जन्म 22 मार्च 2002 एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं जिन्हें स्कैम के स्पेनिश रूपांतरण स्कैम एस्पाना में नोरा ग्रेस के रूप में और बेस्ट सेलिंग पर आधारित प्राइम वीडियो की मूल फिल्म माई फॉल्ट में नोआ के रूप में उनकी मुख्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है मर्सिडीज रॉन द्वारा वॉटपैड उपन्यास श्रृंखला प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन निकोल एलेजांद्रा वालेस डेल बैरियो का जन्म और पालन पोषण मैड्रिड स्पेन में हुआ उसके पिता अमेरिकी हैं इस वजह से वालेस द्विभाषी है और स्पेनिश और अंग्रेजी दोनों धारा प्रवाह बोल सकता है एक वह वायोला और पियानो बजाना सीखते हुए बड़ी हुई और उन्होंने कम उम्र से ही गायन की शिक्षा ली वालेस ने आठ वर्षों से अधिक समय तक हिप हॉप फंक और आधुनिक नृत्य का भी अभ्यास किया है दो उनकी एक बड़ी बहन क्लोए भी हैं जो एक निर्देशक लेखिका और फोटोग्राफर हैं जिन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीमित श्रृंखला ए परफेक्ट स्टोरी का निर्देशन किया है जिसमें अन्ना कैस्टिलो ने अभिनय किया है तीन एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर जारी रखते हुए वालेस एक विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मनोविज्ञान का अध्ययन भी करती हैं। चार कैरियर अभिनय 2008-2017 वर्तमान 2018 में वालेस को नॉर्वेजियन किशोर श्रृंखला स्कैम पर आधारित मूवीस्टार प्लस सीरीज़ स्कैम एस्पाना में नोरा ग्रेस के रूप में कास्ट किए जाने के बाद प्रसिद्धि मिली शो का तीसरा सीजन उनके किरदार नोरा और सेलिया मोनेडेरो द्वारा निभाए गए वीरी के किरदार पर केंद्रित था नोरा और वीरी के सीजन को विशेष रूप से फेस्टिवल डी वाइटोरिया की ओर से समानता के लिए सीमा टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्योंकि इसने युवा दर्शकों के लिए नारीवाद और सशक्तिकरण के विषयों को बढ़ावा दिया था छे, नोरा के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका के बाद से वालेस को एसमोडा ग्लैमर और वोग जैसे कई प्रकाशनों में चित्रित किया गया है सात आठ नौ उन्होंने इस सफलता को अन्य अभिनय भूमिकाओं में भी जारी रखा है टीवी 2021 नाटक पैरोट 10 11 और 2023 प्राइम वीडियो रोमांस फिल्म माई फॉल्ट में नूह के रूप में अभिनय किया है जो वह अपने सौतेले भाई निक के साथ एक निषिद्ध रोमांस में फंस गई है जो खतरनाक सड़क रेसिंग दृश्य में शामिल है बारह निक का किरदार वालेस के स्कैम एस्पाना के सह कलाकार गेब्रियल ग्वेरा ने निभाए आपकी गलती और हमारी गलती का संवर्ती उत्पादन 31 अगस्त 2023 को शुरू हुआ 16 उसी महीने वाले स्टेफी अर्गेलिच फिल्म वेरा में वेरा के रूप में दिखाई दिए एक किशोरी जो एक युवा व्यक्ति के रूप में अपनी कामुकता की खोज करती है एक वकील और एक बेटे के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर एक द्वीप रिट्रीट पर उसके और उसकी माँ के साथ रहने के लिए आती है सत्रह अठारह उन्नीस उन्होंने कई अन्य लघु फिल्मों में भी अभिनय करना जारी रखा है जिनमें राफा पावोन द्वारा निर्देशित 2019 की रेस पार्क्स और जेवियर अलोसो द्वारा निर्देशित 2021 की ला फुएर्जा डेल डेस्टिनो शामिल हैं 20, संगीत 2020 मौजूदा 2020 में वालेस ने फरवरी 2021 में अपना पहला एकल बेला रिलीज करते हुए यूनिवर्सल म्यूज़िक और सोनी म्यूज़िक के साथ अनुबंध किया बेला ने उस वर्ष स्पेन में शीर्ष 50 वायरल गीतों में से एक के रूप में शुरुआत की जिसके तुरंत बाद एकल डेवुएल्वे में और इम्पेटियन आइज़ आए एक चौथा एकल क्यूडेट 2022 में रिलीज किया गया था टेलीविज़न 2021 तोता सूरज मुख्य कलाकार 10 एपिसोड टीबीए गर्मी के लिए ठंडा गेब्रियल ग्वेरा मॉरेऊ जन्म 6 फरवरी 2001 एक स्पेनिश फ्रांसीसी अभिनेता और मॉडल हैं जिन्हें स्कैम एस्पाना में क्रिस्टियन क्रिस मिरालेस हारो के रूप में और फिल्म माई फॉल्ट में निक लिस्टर के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका के लिए जाना जाता है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा गेब्रियल ग्वेरा मॉरेऊ का जन्म और पालन पोषण मैड्रिड स्पेन में हुआ उनकी मां मार्लिन मॉरेऊ एक फ्रांसीसी वेडिट मॉडल अभिनेत्री और टेलीविजन प्रस्तोता और उनके पिता मिशेल ग्वेरा एक क्यूबा नर्तक ने किया दो वह स्पेनिश और फ्रेंच दोनों में द्विभाषी हैं और अंग्रेजी में कुशल हैं तीन अपने माता पिता की तरह वह भी कम उम्र में ही कलात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो गए थे उन्होंने विज्ञापन अभियानों और अतिरिक्त के रूप में छोटी अभिनय भूमिकाओं में भाग लिया साथ ही औपचारिक नृत्य प्रशिक्षण भी लिया तीन, उन्होंने 2018 में इंस्टीट्यूटो लोप डी वेगा से बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की तीन कैरियर फिल्म और टेलीविजन 2018 वर्तमान 2018 के अंत में ग्वेरा ने स्कैम एस्पाना के पहले सीजन में क्रिस्टियन मिरालेस हारो के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया जो एक नॉर्वेजियन किशोर नाटक श्रृंखला स्कैम का स्पेनिश रूपांतरण था जो किशोरों के दैनिक जीवन और उनके संघर्षों पर केंद्रित था वह सीजन एक और दो के बीच श्रृंखला के बारह एपिसोड में दिखाई दिए इसके बाद वह अमांडा कर्नेल की 2018 की फिल्म चार्टर में मैनुअल के रूप में और 2020 के सेनोरस डेल एच एमपीए में क्रिस्टोफर के रूप में दिखाई दिए उसी वर्ष टेलीविजन श्रृंखला राइडर्स में सैमू के रूप में भी दिखाई दिए तीन बाद में चार्टर को तिरानवे वे अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए स्वीडिश प्रविष्टि के रूप में चुना गया लेकिन वह शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं बना पाई पांच ग्वेरा की अगली बड़ी भूमिका 2020 टीवी सीरीज हिट में आई जो एक अपरंपरागत शिक्षक के बारे में एक हाई स्कूल ड्रामा है जिसे संकटग्रस्त संस्थानों को बदलने का काम सौंपा गया है छह वह दो सीजन के लिए मुख्य पात्र डारियो के रूप में दिखाई दिए 2022 में ग्वेरा ने पैरामाउंट प्लस मूल श्रृंखला बोस में कोरियोग्राफर नाचो डुआटो के रूप में अतिथि भूमिका निभाई साथ और प्राइम वीडियो फिल्म टुमारो इस टुडे में युवा चार्ली के रूप में दिखाई दिए टुमारो इस टुडे इस मंच के लिए निर्मित पहली मूल स्पेनिश फिल्म थी आठ उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज यू आर नॉट स्पेशल के लिए स्कैम एस्पाना के मुख्य लेखक एस्टिब्लिस बर्गलेटा के साथ असियर के रूप में पुनर्मिलन किया और उसी वर्ष HBO मैक्स श्रृंखला हाउ टू स्क्रू एवरीथिंग अप में फ्रैन के रूप में दिखाई दिए नौ दस ग्वेरा की अब तक की सबसे बड़ी भूमिका 2023 प्राइम वीडियो रोमांस फिल्म माय फॉर्ट में निकलिस्टर के रूप में रही है जो खतरनाक स्ट्रीट रेसिंग दृश्य में शामिल है और बाद में अपनी सौतेली बहन नूह के साथ एक अवैध रोमांस शुरू करता है जिसे उसके साथी स्कैम एस्पाना ने निभाया है स्टार निकोल वालेस 11 माई फॉल्ट मूल रूप से वॉटपैड पर प्रकाशित एक लोकप्रिय उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है जिसे मर्सिडीज रॉन द्वारा कल्पेबल्स कहा जाता है 12 अमेजन प्राइम वीडियो के अनुसार माई फॉल्ट ने जून 2023 में रिलीज हो ने के बाद सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेजी स्थानीय मूल फिल्म की शुरुआती तीन दिवसीय दर्शकों की संख्या सबसे अधिक हासिल की तेरा इसके अलावा ग्वेरा की स्पेनिश टेलीविजन श्रृंखला रेड फ्लैग्स और एक लघु श्रृंखला नी उनामास एस में आगामी भूमिका है जो मिगुएल कैरल एस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है जिसमें अल्बर्टो की भूमिका है नी उना मास नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है जिसमें वह फिर से निकोल वालेस के साथ मिलेंगे जो मुख्य भूमिका में अल्बा के रूप में अभिनय करेंगी तीन चौदह पंद्रह वह अमेजन प्राइम वीडियो के लिए माई फॉल्ट के दो सीक्वल में निक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे जिसे योर फॉल्ट रवर फॉल्ट कहा जाएगा जो मर्सिडीज रॉन की कल्पेबल स्त्रयी की अंतिम दो पुस्तकों पर आधारित हैं सोलह सत्रह आपकी गलती और हमारी गलती का संवर्ती उत्पादन इकतीस अगस्त दो हजार तेईस को शुरू हुआ अठारह स्टेज दो हजार दस वर्तमान ग्वेरा को फ्रांस में हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अंतर्राष्ट्रीय वारंट पर दो सितंबर दो हजार तेईस को इटली के वेनिस में गिरफ्तार किया गया था उन्हें फ़िल्मिंग इटली से सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता का पुरस्कार मिलने वाला था जिसे उनकी गिरफ्तारी के बाद रद्द कर दिया गया था बीस तीन सितंबर 2023 को ग्वेरा के अभिनय प्रतिनिधित्व ब्रॉसन टैलेंट मैनेजमेंट ने जनता के लिए एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया यह फ़्रांस में एक पुरानी प्रक्रिया है जब गेब्रियल नाबालिग था और स्पेन में इसे पहले ही हल कर लिया गया है सभी बरी होने वालों के साथ उनका पक्ष हमें उम्मीद है कि एक बार अवधारण त्रुटि जिसे हम अनियमित मानते हैं सत्यापित हो जाने के बाद उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा 21 ग्वेरा के वकील पेड्रो फर्नांडीज़ गोंजालेज ने इस बयान पर अमल करते हुए कहा कि जिस मामले में उन पर आरोप लगाया गया और फिर बरी कर दिया गया वह तब हुआ जब ग्वेरा 13 साल का था और शिकायतकर्ता उसका चचेरा भाई था जो उस पर गुस्सा हो गया था मामले की सुनवाई सोमवार 4 सितंबर को निर्धारित की गई थी और बाद में उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया था उनकी रिहाई की शर्त यह थी कि मामले का समाधान होने तक वह वेनिस नहीं छोड़ सकते थे बाईस तेईस पंद्रह सितंबर 2023 को विनीशियन कोर्ट ऑफ अपील्स ने ग्वेरा के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट और प्रत्यर्पण अनुरोध को शून्य घोषित कर दिया और उन्हें मैड्रिड में घर लौटने की अनुमति दी गई चौबीस माई फॉल्ट फिल्म फ्रेंचाइज के पीछे स्ट्रीमिंग सेवा प्राइम वीडियो ने भी पुष्टि की कि वे अपने वकीलों के अनुसार मामले की अपनी स्वतंत्र जांच कर रहे हैं बाईस ग्वेरा ने तब से कल्पेबल्स श्रृंखला की आखिरी दो फिल्मों का फिल्मांकन पूरा करने का काम फिर से शुरू कर दिया है फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया 2018 चार्टर मैनुए 2022 कल आज है युवा चार्ली 2023 मेरी गलती निकलिस्टर 2024 आपकी गलती वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया 2018 से 2019 हजार उन्नीस स्कैम एस्पाना क्रिस्टियन क्रिस मिरालिस हारो आवर्ती भूमिका 12 एपिसोड सीजन एक दो 2020 से 2021 हजार इक्कीस मार डेरियो कारवाजल एगुइरे मुख्य भूमिका 11 एपिसोड सीजन एक दो बोस नाचो डुआटो अतिथि भूमिका एक एपिसोड सब कुछ खराब कैसे करें फ्रान मुख्य भूमिका छह एपिसोड एक और बात अल्बर्टो लघु श्रृंखला स्टेज वर्ष शीर्षक स्थान बटा स्थान टिप्पणिया 2010 हजार दस तोस्का टीटोरियल रॉयल थिएटर मैड्रिड स्पेन ओपेरा 2018 हजार अठारह क्रोल रोजर ओपेरा क्रिश्चियन जीन क्लेवियर फ्रेंच उच्चारण के आई एस एम ए जन्म छह मई उन्नीस सौ बावन एक फ्रांसीसी अभिनेता पटकथा लेखक फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं वह दो हिट कॉमेडी श्रृंखलाओं में अभिनय करने के बाद व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गए पैट्रिस लेकोंटे के लेस ब्रॉन्ज और जीन मैरी पोइरे के लेस विजिटर्स उन्होंने अल्बर्ट उडेरजो और रेने गोस्किनी की प्रसिद्ध कॉमिक पुस्तकों के स्क्रीन रूपांतरण में एस्टेरिक्स की भूमिका निभाकर अपनी लोकप्रियता को आगे बढ़ाया वह निर्देशक स्टीफन क्लैबियर के भाई हैं जीवन और कैरियर न्यूली लीसी पाश्चर में अपनी उच्च श्रेणी की पढ़ाई के बाद हालांकि यहां और वहां दावा किया गया है उन्होंने कभी इंस्टीट्यूट डी एट्यूड्स पॉलिटिक्स डी पेरिस साइंसेस पोक में अध्ययन नहीं किया एक उन्होंने अपने अभिनेता करियर की शुरुआत कॉमेडी थिएटर मंडली स्प्लेंडिड से की जिसने लेस ब्रोजेस फॉन्ट डुस्की और ले पेरे नोएल इस्ट उन्हें ऑड्यूर जैसी फ़िल्मों के साथ हिट स्प्लेंडिड समूह के बिना उनकी सबसे उल्लेखनीय सफलता और अब तक की उनकी सबसे बड़ी हिट उन्नीस की फ़िल्म लेस विजिटर्स में थी जहां उन्होंने जैकवाइल लाफ रिपॉय के नाम से जाना जाने वाला एक किरदार निभाया था पात्र पात्रकारोना ओकय फिल्म की सफलता के बाद यह एक लोकप्रिय उद्घोष बन गया लेस विजिटर्स के बाद वह एक स्टार थे उन्होंने एस्टेरिक्स एट ओबेलिक्स सर, एस्टेरिक्स एंड ओबेलिक्स मिशन की ओपेट्रे और विजिटर्स की अगली कड़ी और रीमेक जैसी बड़े बजट की फिल्मों में भाग लिया उन्होंने टेलीविजन पर भी कई नाटकीय भूमिकाएं निभाईं जिनमें लेस मिजरेबल्स 2000 टेलीविजन संस्करण में थेनार्डियर और एक जीवनी टेलीविजन फिल्म में नेपोलियन शामिल हैं 2018 में वह एनिमेटेड फिल्म एस्टेरिक्स द सीक्रेट ऑफ द मैजिक पोशन में चरित्र की आवाज प्रदान करके एस्टेरिक्स के चरित्र में लौट आए चरित्र के मूल आवाज अभिनेता रोजर कैरेल के बाद यह एक एनिमेटेड फिल्म में उनकी पहली भूमिका थी लेस विजिटर्स द विजिटर्स में जीन रेनो और यूएस रीमेक जस्ट विजिटिंग एल ऑपरेशन कॉर्नेट बीफ और एल क्वेटे कोर्से द कॉर्सिकन इन्वेस्टिगेशन एस्ट्रिक्स एट ओबेलिक्स एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स और लेस एंजेस गार्डियंस में जेराड डे हर जगह पर प्यार ईसाई का दोस्त रोजर एंड्रिक्स तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस जबरदस्त मूवी के बारे में बात करी इसके दूसरे पार्ट के बारे में सारे कुछ अपडेट मैंने बताई आपने यदि इसका पहला पार्ट देख लिया हो तो आपको कैसा लगा और आप में से कितने लोग इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बलाइकन दबा कर इसे पर सेट कर दे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में